नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रीट एग्जाम और ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। इस टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है विद्यार्थियों। मैंने पिछले वीडियो में आपको महासभा और सुरक्षा परिषद के बारे में बताया था। आज हम यूएनओ के तीसरे अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में चर्चा करेंगे। यूएनओ के दो अंगों के अलावा तीसरा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का एक कानूनी निकाय है जो कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें विद्यार्थियों, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 18 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की नींव रखी गई थी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में की गई। कहाँ की गई विद्यार्थियों? हेग में, जिसका कहाँ पर है ये? हॉलैंड में। और हॉलैंड का नाम बदल करके क्या कर दिया गया विद्यार्थियों? नीदरलैंड कर दिया गया। तो हेग के नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि न्यूयॉर्क में नहीं स्थित है। बाकी जो पांच अंग है, कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इन सब का कार्यालय विद्यार्थियों न्यूयॉर्क में है। बट एकमात्र ऐसा कानूनी निकाय या ऐसा अंग जिसका कार्यालय हेग और नीदरलैंड में है, वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और विद्यार्थियों, ना केवल रीट के पिछले पेपर्स में बल्कि ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इस हेग को पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको ध्यान रखना है हेग जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। या तो ऐसे पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है कि यूएनओ का एकमात्र ऐसा कौन सा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, तो उसका आंसर भी आएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें विद्यार्थियों, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 14 में 92 से लेकर 96 तक जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख है। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि यूएनओ का जो चार्टर है उसमें कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय है विद्यार्थियों। और 19वें अध्याय में से 14वें अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है इसके संगठन की। किसकी आती है? संगठन की। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं विद्यार्थियों? 15 न्यायाधीश होते हैं। और इन 15 न्यायाधीशों में का कार्य, 15 न्यायाधीशों में से 9 न्यायाधीश अगर किसी वाद पर सहमत होते हैं तो ही वो मामला निर्णय तक पहुंच पाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। अब बात आती है कि ये 15 न्यायाधीश अपने में से एक सभापति और दूसरा उपसभापति का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं विद्यार्थियों। क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। और 3 वर्ष के लिए सभापति और उपसभापति को चुनते हैं। इसके अलावा जो 15 न्यायाधीश है वो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। वो कैसे विद्यार्थियों? वो देखिए आपके एशिया, अफ्रीका, यूरोप, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन राष्ट्र, इन सब के यहाँ से क्या आते हैं विद्यार्थियों? यहाँ से इन 15 न्यायाधीशों को चुना जाता है।
किसी भी एक देश से दो न्यायाधीशों का चुनाव नहीं होता है, ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति बन सकता है जो विधि का ज्ञाता हो, कानून का ज्ञाता हो, और किसी देश में उसको कानून में विशेषज्ञता प्राप्त हो, उसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बना जाता है। और इन 15 न्यायाधीशों का चुनाव न केवल एक महाद्वीप बल्कि सभी महाद्वीपों के क्षेत्राधिकार को ध्यान में रख करके इन न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है, ताकि पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व ये न्यायाधीश कर सके। विद्यार्थियों, एशिया, अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन राष्ट्र, यहाँ से इनको चुना जाता है। किनको? इन 15 न्यायाधीशों को। अब बात आती है कि इन 15 न्यायाधीशों को चुनता कौन है, तो ध्यान रखना बच्चों कि महासभा जो है, महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीशों का चुनाव कौन करता है, तो आपका आंसर होगा महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है। अब बात आती है विद्यार्थियों कार्यकाल की, तो इन 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल विद्यार्थियों 9 वर्ष का होता है। एक न्यायाधीश को दोबारा भी चुना जा सकता है, एक न्यायाधीश को दोबारा भी उसी पद के लिए चुना जा सकता है, बाकी एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अब बात आती है वादी की, ध्यान रखना, हमने पिछले वीडियोस में देखा भी था कि हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां पर वादी होता है व्यक्ति, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में विद्यार्थियों वादी होता है राष्ट्र। कौन होता है? एक राष्ट्रवादी, दूसरा राष्ट्र प्रतिवादी, या कई राष्ट्रवादी और कई राष्ट्र प्रतिवादी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाते हैं और अपने वाद को प्रस्तुत करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट उन विवादों को सुलझाने का कार्य करता है, उनकी कानूनी व्याख्या करने का कार्य करता है। विद्यार्थी, तो ध्यान रखना है वादी कौन है? राष्ट्र है। अब ध्यान रखना है कि जो आपका यूएनओ के जो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो 15 न्यायाधीश है, इन 15 न्यायाधीशों को चुनने का कार्य महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष है वो कौन है? अब्दुल कावी यूसुफ वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के बतौर कार्य कर रहे हैं, जो कि सोमालिया से संबंधित है। पिछले वीडियो में मैंने महासभा के 74वें अधिवेशन के अध्यक्ष बताए थे, तिजानी मोहम्मद बांद्रे, जिनका संबंध तंजानिया से था, और महासभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष मैंने बताया था बेल्जियम के थे, जो पॉल स्पॉक जो थे वो महासभा के प्रथम अध्यक्ष थे। विजया लक्ष्मी पंडित भी महासभा की तरफ से गई थी। ये कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है विद्यार्थियों जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का जो अध्यक्ष है वो है अब्दुल कावी यूसुफ, जो कि सोमानिया से संबंध रखते हैं। इसके अलावा भारत से भी बार बार में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर अनेक व्यक्ति रह चुके हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से पुट अप हो सकता है कि भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में शामिल व्यक्ति नहीं था, या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं, तो उनके नाम देख लीजिए बच्चों। पहला है आपके बेनेगल राव। बेनेगल राव का आपने नाम सुना होगा विद्यार्थियों, बेनेगल राव या बीएन राव, जो कि हमारी भारत का जो संविधान बना उसके कानूनी सलाहकार थे और हमारे संविधान को बनाने में
प्रारूप समिति को बनाने में जिसका सबसे बड़ा योगदान था, हमारे संविधान का जो ड्राफ्ट बना है विद्यार्थियों, उस सब में महत्वपूर्ण भूमिका थी बेनेगल राव की। बेनेगल राव ने काफी देशों के संविधानों का अध्ययन किया हुआ था, विधि के ज्ञाता थे, तो 1952 और 53 के बीच में इन्हें इंटरनेशनल कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। उसके बाद नगेंद्र सिंह का नाम भी आपने सुना होगा। नगेंद्र सिंह को 1973 से 88 के बीच में आपके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। उसके बाद आता है विद्यार्थियों आर.एस. पाठक। आर.एस. पाठक का नाम आप सबने सुना होगा। आर.एस. पाठक को भी 1989 से 91 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रह चुके थे। उसके बाद आता है दलबीर भंडारी। यहाँ से आपके रीट में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है विद्यार्थियों कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कौन है? दलबीर भंडारी। और दलबीर भंडारी का दूसरा कार्यकाल भी प्रारंभ हो चुका है। 2012 से ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है। तो वर्तमान में इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं कौन? दलबीर भंडारी, जो कि 2012 से कार्यरत है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और इनका 2021 से जो कार्यकाल दलबीर भंडारी का है वो कार्यकाल इनका प्रारंभ हो जाएगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, तो 20 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और दूसरा कार्यकाल इनका प्रारंभ हो चुका है। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं दलबीर सिंह भंडारी। ठीक है विद्यार्थियों, उसके बाद आती है भाषा। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, इंटरनेशनल कोर्ट में दो आधिकारिक भाषाएं हैं, एक फ्रेंच और दूसरा है आपकी इंग्लिश। इन दो आधिकारिक भाषाओं में जो है कोर्ट की सुनवाई की जाती है। ये आज आपने जो देखा, इनमें से जहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं विद्यार्थियों, जिनको आपको शॉर्ट नोट्स में देना है, जिन पे ज्यादा फोकस करना है, वो क्या है? एक तो आपको मुख्यालय याद रखना है कि हैग के होलैंड, जो कि नीदरलैंड है, वहां पर मुख्यालय है। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? 15 न्यायाधीश। इनका कार्यकाल कितने साल का है? 9 साल का। नियुक्ति कौन करता है? महासभा करती है। किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, भारत की तरफ से 4 जा चुके हैं, बेनेगल राव, नगेंद्र सिंह, आर.एस. पाठक और दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी जो कि 2012 से यहाँ पर कार्यरत है। उसके बाद वर्तमान में अध्यक्ष याद रखना है, अब्दुल कावी यूसुफ जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। अब बात आती है कि ये कार्य क्या करता है। एक ध्यान वो न्यूयॉर्क वाला याद ध्यान रखना है कि यूएनओ का एकमात्र ऐसा अंग जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है वो भी आपका कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता क्या है। इसके कार्यों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं विद्यार्थियों। पहला है ऐच्छिक कार्य, दूसरा है अनिवार्य कार्य और तीसरा है आपका परामर्शात्मक कार्य। तो अनिवार्य का ऐच्छिक कार्य कौन सा है वो देखिए विद्यार्थियों। ऐच्छिक कार्य की बात करें तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर दो राष्ट्रों या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में विवाद है, अगर दो राष्ट्रों या दो राष्ट्रों के से अधिक में क्या है, विवाद है, तो क्या करना होगा वो देखिए। अगर दो राष्ट्रों के मध्य क्या है, विवाद है, विवाद तो हो गया लेकिन कोई वादी राष्ट्र इस वाद को कहां ले गया? आईसी में, इंटरनेशनल कोर्ट में ले गया, तब ही इस मामले की सुनवाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कर सकता है। शर्त यही है कि वो मामला इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए। अगर उस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं ले जाया गया तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उस विवाद की सुनवाई नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। ये ऐच्छिक कार्य इसीलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दो राष्ट्रों या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य विवादों की सुनवाई तभी कर सकता है जब क्या हो,
एक राष्ट्रवाद के रूप में उस प्रस्ताव को या उस विवाद को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लेकर के जाए। ऐसा ही मामला विद्यार्थियों 1947 में उठा था भारत और पाकिस्तान के बीच में। आप सब जानते हो जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत दो भागों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान बनने के बाद भी भारत की कई ऐसी देशी रियासतें थी जो ना तो भारत में शामिल होना चाहती थी और ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार ने यह कह दिया था कि अगर आप दोनों में शामिल नहीं होकर के अपनी स्वतंत्र सत्ता भी बना सकते हो तो इसी बात ने जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह को स्वायत्तता प्रदान कर दी और वो समझने लग गया कि वो स्वायत्त रहेगा। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने कबाइलियों के वेश में कश्मीर पर आतंक फैला दिया तो हरि सिंह ने सोचा कि मुझे भारत में मिल जाना चाहिए। हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए लेकिन पाकिस्तानी सेना आगे आकर कश्मीर पर अपना प्रभुत्व जमाए जा रही थी। तभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस वाद को, भारत और पाकिस्तान के कश्मीरी सीमा विवाद को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच गए थे। और आज हमारा बच्चों जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो उसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते की वजह से है। अगर नेहरू जी उस वाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं लेकर के जाते तो उस समय स्टे नहीं लगता और आज भारत और पाकिस्तान के विवाद का मुद्दा जो इतना छाया हुआ है वो नहीं हो पाता। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इस वाद को लेकर के वहां चले गए जिससे पाक अधिकृत कश्मीर जो वहां पर अधिकृत था, जहां पर आज भी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वो बना हुआ है। तो हम उस वाद को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए थे विद्यार्थियों, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उस वाद की सुनवाई की। अगर भारत वहां नहीं जाता और दोनों आपसी समझौते के माध्यम से विवाद को सुलझाते तो इंटरनेशनल कोर्ट उस विवाद की सुनवाई नहीं करता। विद्यार्थियों समझ में आ गया? तो दो राष्ट्रों के बीच के विवाद को तभी सुनेगा जब मामला वहां पर ले जाया जाए। फिर आता है विद्यार्थियों अनिवार्य क्षेत्राधिकार। अनिवार्य क्षेत्राधिकार में ध्यान रखना बच्चों कि इंटरनेशनल स्तर पर जितनी भी संधि या समझौते हुए हैं उनकी व्याख्या करने का, कानूनी दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या करने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून संबंधी प्रश्न हैं उनकी व्याख्या करने का अधिकार भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को दिया गया है। उसके बाद आता है क्षतिपूर्ति का स्वरूप तथा सीमा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मान लो किसी पर देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है तो उसकी क्षतिपूर्ति की सीमा कितनी होगी, इस बात का निर्णय भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है विद्यार्थियों। तो ये सब कार्य अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इन सब मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सुनवाई करनी ही पड़ती है और किसी भी बात की सुनवाई के लिए 9 न्यायाधीशों का एकमत होना आवश्यक है। अगर किसी न्यायाधीश को हटाया भी जाता है तो उसमें भी उन न्यायाधीशों के 9 न्यायाधीशों के बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अब आता है विद्यार्थियों परामर्शात्मक कार्य। ध्यान रखना है जितने भी अंग हैं यूएनओ के, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, इन सभी अंगों को कानून संबंधी प्रश्न पर जो भी सलाह देनी होती है वो देता है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके अलावा जितने भी संगठन है इंटरनेशनल, यूएनओ की जितनी भी एजेंसियां हैं जो कि आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण से कार्य कर रही है, यूनेस्को, यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व मौसम संगठन, WHO, कई ऐसे संस्थान हैं, उन सब को भी कानूनी सलाह देने का कार्य यूएनओ के माध्यम से किया जाता है विद्यार्थियों। तो आपने देख लिया, अब बात आती है कि ये सारा कार्य अंतर किसके द्वारा किया जाता है, आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से किए जाते हैं। ऐच्छिक कार्य, अनिवार्य कार्य,
और परामर्शात्मक कार्य। अब बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में से एक जहां से जो आजकल ट्रेंड में बन चुका है क्वेश्चन कहां से पुटअप होता है विद्यार्थियों, वो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। क्या क्यों की गई इसकी स्थापना विद्यार्थियों? आपने देखा दो राष्ट्रों के बीच में सीमा विवाद, संधि विवाद, किसी भी क्षतिपूर्ति, इन सब के बारे में निर्णय तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कर देता है, लेकिन कहीं पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मानवीय उत्पीड़न हो रहा है, क्रय और विक्रय किया जा रहा है, समान अधिकार लोगों को उपलब्ध नहीं है, तो इन मानवाधिकारों का उल्लंघन जो देश करता है उन देशों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, इन सब के बारे में बताने का कार्य भी कौन करता है? तो इसके लिए एक न्यायालय की स्थापना करना जरूरी था और स्थापना की गई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसकी स्थापना 1998 में की गई। 1 जुलाई 2002 से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया विद्यार्थियों, और वर्तमान में इसके 123 सदस्य राष्ट्र है। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जनहानि, मानहानि, मानव अधिकार, दुर्व्यवहार, इन सब के विरुद्ध जो वाद लाया जाता है उनकी सुनवाई करने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा किया जाता है विद्यार्थियों। तो ये आपने देखा, आज हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में पढ़ा। आगे के वीडियोस में हम यूएनओ के बाकी अंगों के बारे में और इंटरनेशनल जो एजेंसियां हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप चाहते हैं कि मैं ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स और स्पेशल रीट एग्जाम की तैयारी आप सबको करवाऊं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस पर लाइक्स कीजिए, कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे अपने वीडियोस को जारी रख सकूं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं। आगे के वीडियोस में मेरे रीट एग्जाम के दृष्टिकोण से पुराने पेपर को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन पेपर्स आएंगे, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए, ताकि मैं आपके लिए स्पेशल रीट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन पेपर।